आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन हो जाएगा खत्म। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। आज पीएम मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा, पहले बिहार के जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे कूचबिहार में पीएम मोदी की होगी जनसभा। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बयान, जमुई से चिराग के बहनोई प्रत्याशी पीएम मोदी परिवारवाद पर करते हैं हमला। परिवारवाद पर रविशंकर प्रसाद ने लालू को घेरा, कहा लालू ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया लेकिन परिवार के विकास के लिए काफी कुछ किया। पीएम की कुछ बिहार रैली पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा, प्रधानमंत्री चुनाव में ही बंगाल में आते हैं, वे समझते हैं 2019 में चुने सांसदों ने कुछ नहीं किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु का चुनावी दौरा, थेनी में रोड शो, मदुरई में जनसभा और मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कल शाह ने यूपी के मुरादाबाद का किया चुनावी दौरा, पहले और दूसरे चरण की 17 लोकसभा सीट पर चुनावी तैयारी की समीक्षा की, कोर कमेटी के सभी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड का 2 दिवसीय चुनावी दौरा, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के झालवाड़ा में जेपी नड्डा का विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज है, 1 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक, सोमवार को हुई बैठक में विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा पर चर्चा। टीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी के कविता की गिरफ्तारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू का बयान, कहा अगर कोई और भी आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। केजरीवाल की याचिका पर आ सकता है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को बताया गलत, ईडी ने याचिका का किया है कड़ा विरोध। आपके लिए संजीवनी की तरह मानी जा रही संजय सिंह की रिहाई, सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ही बढ़ाएंगे चुनाव अभियान। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा बीजेपी वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर बोल रहा है, शराब घोटाला आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया। संजय सिंह ने कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घरों पर छापेमारी कर रहे हैं, मचा रखी है तानाशाही, 6 महीने जेल में रहकर आया। जेल से छूटने के बाद बोले संजय सिंह, कह रहे हैं सरकार कैसे चलेगी, हम कहते हैं सरकार तो जेल से ही चलेगी। संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने कहा वे नहीं मनाएंगी रिहाई का जश्न, केजरीवाल मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के नेता अभी भी जेल में हैं बंद। संजय सिंह के रिहाई होने पर आप नेता जसमीन शाह ने कहा ये जश्न का मौका नहीं है, जब तक आपके सभी नेता बाहर नहीं आ जाते जश्न नहीं मनाया जाएगा। संजय सिंह की रिहाई पर बोली दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, कहा ये जश्न का नहीं संघर्ष का माहौल, जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता बाहर नहीं निकलते तब तक जारी रहेगा संघर्ष। आतिशी को बीजेपी के लीगल नोटिस पर वकील सत्य रंजन स्वैन ने कहा उन्होंने नहीं बताया उसने किसने और किस माध्यम से बीजेपी में शामिल होने के लिए किया संपर्क, इसीलिए दिया कानूनी नोटिस। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पहले दिन से यह साफ था कि राजनीतिक बदले की भावना से संजय सिंह या बाकी लोगों पर की गई कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी संजय सिंह की रिहाई। संजय सिंह की रिहाई पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा बेल मिली बेल आउट नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल को दी सलाह लालू जी से सीखे। केरल की वायनाड सीट से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन आज नामांकन करेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद, कल राहुल गांधी और सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने दाखिल किया था पर्चा। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक 5 सालों में राहुल की चल संपत्ति में करीब 3.5 करोड़, अचल संपत्ति में करीब 1 करोड़ का इजाफा, 18 आपराधिक मामले लंबित जिनमें से अधिकतर मानहानि के मामले। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, हमने पास कर भेजा है प्रस्ताव, उन्हें लेना है फैसला, वायनाड से राहुल गांधी के लड़ने से पूरे देश में जाएगा संदेश।
संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कार्रवाई की। संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। एक्स पर लिखा, भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही कांग्रेस, न खर्च करे ऊर्जा और स्टेशनरी, मैं खुद फैसला ले लूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय निरुपम के मामले पर कहा, ऐसा लग रहा था किसी की सुपारी लेकर बोल रहे थे, कोई नोटिस नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला। मुंबई उत्तर पश्चिम में सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं संजय निरुपम, शिवसेना यूबीटी ने अमोल कीर्तिकर को बनाया उम्मीदवार, अमोल को प्रत्याशी बनाए जाने से भड़क गए थे संजय निरुपम। जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शिवसेना यूबीटी, कहा बीजेपी में कई भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया गया। जलगांव से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी करण पवार ने कहा, स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से हमारा साथ गलत बर्ताव किया उस वजह से हम पार्टी से अलग हुए। विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने के सवाल पर बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं। मंत्री गुलाबो देवी के बयान पर संघमित्रा मौर्य ने कहा, चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, भावनात्मक स्थिति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं, दशरथ के चरित्र का वर्णन सुनते समय आंखें होने लगी। यूपी की 2 सीट पर प्रत्याशी घोषित, मथुरा से मुकेश धनगर को टिकट, पहले बॉक्सर विजेंद्र को के लड़ने की चर्चा थी। सीतापुर में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, राकेश राठौड़ बने प्रत्याशी। आज मथुरा में पर्चा भरेंगी बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी, नामांकन के बाद होने वाली रैली में सीएम योगी भी होंगे शामिल, नामांकन से पहले बुधवार को हेमा मालिनी ने किया था यमुना पूजन। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विजेंदर ने की पुष्टि, हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस से उम्मीदवार बनाने पर हुई थी चर्चा, फैसला बदलने पर कहा कुछ सेकंड में हो सकता है बदलाव। विजेंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर एनसीपी एससीपी नेता क्लाइड ग्रास्टो ने कहा, पूछा विजेंदर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ रही महिला रेस्लर्स को न्याय दिलाएंगे। महिला पहलवानों से यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करेंगे नामांकन, सीट बंटवारे में आरजेडी को मिली है पूर्णिया सीट। पप्पू यादव ने कहा, हमने हमेशा लालू जी का सम्मान किया, हमसे किस बात की नफरत की जा रही, अपने जन अधिकार पार्टी का पिछले महीने पप्पू यादव ने कांग्रेस में कर दिया था विलय। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने औपचारिक रूप से नहीं ली है कांग्रेस की सदस्यता, ऐसे में उन्हें नहीं मिल सकता सिंबल, निर्दलीय चुनाव लड़े तो पार्टी कार्रवाई कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव पर बोले तेजस्वी, जो हमारे खिलाफ है वह बीजेपी के साथ, कहा पूर्णिया के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने छपरा में किया रोड शो, गढ़देवी मंदिर में टेका माथा, कहा बीजेपी के लोगों को मुझे विदेशी बोलने पर शर्म आनी चाहिए। चिराग की पार्टी एलजेपी, रामविलास के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के 22 पदाधिकारियों ने छोड़ी है पार्टी, कहा हमने संघर्ष किया लेकिन चिराग ने कार्यकर्ताओं की बजाय बाहरी लोगों को टिकट दिया। शहनवाज हुसैन ने कहा, हमें गर्व, पीएम मोदी सबके साथ करते हैं न्याय, पार्टी में साइड किए जाने के सवाल का जवाब देते देते हुए चुप, कहा हम पार्टी के कार्यकर्ता तो जो कहेंगे वही करेंगे। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा, केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के सवाल पर बोले सिर्फ बीजेपी कर रही विरोध, जनता क्यों नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान क्योंकि यहां दीदी और उनकी पुलिस है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की आज पहली बड़ी रैली, कटरा में होगी विपक्षी गठबंधन की जनसभा। सीपीएम लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी करेंगे घोषणा पत्र, पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। कच्चा तीवू मुद्दे पर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने पूछा, बीजेपी 2014 से सत्ता में है, क्या किया, क्यों नहीं पहले उठाया मुद्दा, बीजेपी को समझना चाहिए जोड़ तोड़ की राजनीति तमिलनाडु में नहीं चलेगी। चुनाव प्रचार के दौरान बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार की उपलब्धि क्या है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने के बाद से अनिल विज की नाराजगी को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस, सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ अपने बेटे की सीट के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपनी सीट के लिए, दोनों ही हारेंगे। नवरात्रि और ईद को देखते हुए अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा, शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। अपने जन्मदिन के मौके पर तिरुपति तिरुमाला मंदिर पहुंची जयाप्रदा, मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। वाराणसी में काल भैरव मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, काल भैरव की विधिवत पूजा अर्चना की। योगी ने काशी के कोतवाल की उतारी है आरती, लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाकर किया योगी का अभिनंदन। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पंजाब के किसानों की आज अहम बैठक, चंडीगढ़ में होगी किसान संगठनों की मीटिंग। ग्वालियर में साफ सफाई करते नजर आए बीजेपी पार्षद, सीवर लाइन में उतरकर बंद पड़ी लाइन को साफ किया। नगर निगम के अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर खुद ही करने लगे साफ सफाई। हरियाणा की आईएएस रेनु फुलिया के पति और बेटे के नाम जमीन करने का मामला गरमाया, आप नेता अनुराग बोले, जांच हुई तो सामने आएगा किसी ना किसी बीजेपी नेता का नाम। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार गुट के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अजीत गुट नहीं कर रहा चुनाव चिन्ह गड़ी पर निर्देश का पालन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मंगलवार को ही मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर की मौत, जाबाज सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों के शव मिले, मामले पर बोले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कहा जब से हमारी सरकार आई नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। मुख्तार की मौत के मामले में बांदा जेल पहुंची जांच टीम, जेल कर्मियों और जेल अधीक्षक के बयान किए गए दर्ज। बरेली में एक शख्स पर अपनी बहन की हत्या का आरोप, कत्ल के बाद घर के अंदर ही दफन की लाश। गुरुग्राम में अस्पताल में भर्ती युवक को कुछ दबंगों ने अगवा किया, सीसीटीवी में युवक को ले जाते नजर आ रहे बदमाश। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में लगी आग, आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। कानपुर देहात में एक शिक्षक ने बगैर तलाक लिए की 3 शादियां, एक शादी की खबर दूसरी पत्नी को नहीं लगने दी। यूपी के कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भीषण आग की चपेट में आए 5 घर। कुशीनगर में घरों में आग लगने से मची अफरा तफरी, आग की चपेट में आने से 10 बकरियों की मौत हुई। कर्नाटक में बोरवेल में गिरा 2 साल का बच्चा, घर के पास खेलते समय बोरवेल में गिरा बच्चा, बच्चे की चीख सुनकर पुलिस को दी गई जानकारी। शामली में बड़ा हादसा, बाइक सवार को कुचलकर भाग रहे कैंटर ने कई और लोगों को टक्कर मारी, कैंटर के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तेंदुए का हमला दिखा, रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल किया। पंजाब के बठिंडा में डॉगी ने किया कुछ बच्चे पर हमला, कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर लोगों में गुस्सा। अप्रैल महीने के पहले ही हफ्ते में होने लगी गर्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों के लिए जारी की एडवाइजरी। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब किंग्स की टक्कर है, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। आईपीएल लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 106 रनों से मात दी, कोलकाता की 3 मैचों में लगातार 3री जीत। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया था 272 रनों का विशाल स्कोर, आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। कोलकाता की जीत के हीरो रहे सुनील नरेन, उन्होंने सिर्फ 39 गेंद पर 85 रन बना डाले, अपनी पारी में नरेन ने 7 छक्के और 7 चौके भी लगाए। अंकुश रघुवंशी ने कोलकाता के लिए तेज अर्धशतक मारा, उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 27 गेंदों पर 54 रन का योगदान दिया। आखिरी ओवरों में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने कोलकाता के स्कोर को 250 के पार पहुंचाया, रसेल ने 19 गेंद पर 41 रन बनाए।
दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत वापसी के बाद पहली बार पुराने रंग में दिखाई दिए। पंत ने 25 गेंद पर 55 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा की शानदार गेंदबाजी, दोनों को 3-3 विकेट मिले।